हेलो हेलो कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रही हूँ और मैं नंदकिशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। मैं किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी दोबारा, और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसको फोन मिला बता तो नहीं, किसको फोन मिला भाई? न्यूज चैनल पे चल रहा है प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल, कौन बैरागी, कहाँ फोन मिला? एक सेकंड मैं आपको बता दूँ। छोटी सी ब्रेक के बाद जी आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तो मेरे ख्याल नहीं है। सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं, आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास एक डिग्री? और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? ये तो पढ़े लिखे है ही, ये गंदा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देन है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है एक डिग्री, और गर्मी लगातार पड़ रही है इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था ये गर्मी? बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा गार्डन की इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं जी, डिग्री पाते हैं। अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं डिग्री पाते हैं और बड़ा आदमी बनते हैं, बड़े आदमी बनते पैसा कमाते, पैसा कमाते ही पैसा आता है, पैसा आता है और उस पैसे की गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है, भाई साहब कोई सवाल नंदकिशोर जी से? हाँ नंदकिशोर जी, भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाएं। निकाल दे मुझे, नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, धन्यवाद, शुक्रिया। क्या बात है सजना तेरे बिना, मेरे दिल को कछु नहीं बा। हेलो, इतना बढ़िया लगाया भाई साहब कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। भाई कौन बेसुरा गा रहा है ये बता? 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज़ सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान बउआ, मेरा नाम नमस्कार, आपसे एक मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ औकात में लेके बात कर, जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा तो बोल रहा बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ, उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़े तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था आदमी, देखो आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका। हेलो अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे, मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा, अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते, मेरा क्या कर लेते बताओ, कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तो फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ क्यों, हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। अरे ये कैसे सुन रहा है आपको, मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। खुशफुसा रहा है? हाँ क्या करोगे आप? अबे तेरी खुशफुसा रहा ना अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दे भाई, सॉरी ये भी सुनाई देगा, आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए समझे, गलत बोल रहे 93.5 क्या, सॉरी बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते, अंकल कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा था, एक मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा।
लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा, जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? हैं, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा, डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमारी। काम नहीं, बता पहले, बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमार। बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो अकेलापन, अकेलापन होगा तो डिप्रेशन, डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? हंसना बनकर आप इतने धीरे क्यों बोल रहे? पब्लिक प्लेस में क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ तो शर्म आ रही है, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची, तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे। तो गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 FM बजाते रहो अंकिल, नमस्ते, बउआ बोल रहे हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। हेलो अंकिल जी, नमस्कार। नमस्ते, कौन? मेरा नाम बउआ होता है और हमारे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक समाज को। जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को आईना दिखाते हैं। एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, दो मिनट लगता है, मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें, नौकरी उसमें अच्छा काम करें, नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे? भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूं। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा, हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है, बस ले लो। मुझे खुंदक आ रही, खुंदक ऐसी खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी, चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई? मेरी बात सुन तू, मेरा नाम है जो भी हो तू, जो उससे क्या? आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ, सर के ऊपर हाथ। चल बैरागी जी, चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में, हाँ। ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग मोशन। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है पर एफसी रॉकिंग नहीं होता? 93.5 FM बजाते रहिए। हेलो, आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, एक मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। बोल, बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठा रहा है तू। सॉरी, गर्मी बढ़ रही है ना तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी? वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी ऊपर। हाँ, सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार रहे, पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था, सॉरी कौआ था वो तो। क्या बउआ कौआ, बउआ कौआ? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था, लेट मी एक्सप्लेन, एक मिनट में। वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारी कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? हाँ। कितने कंकड़ डाले होंगे? 10, 12, 20, 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर, उसी पत्थर पर इस इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रखो। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं कंकड़। नहीं, तेरे को रखूंगा मैं।
93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो और बउए को सॉरी रेड एफएम बजाते रहो। बउआ अगर ये वाला आपको सुनना है 7531935935 इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे जल्दी से BAU AA बउआ लिख कर भेजेंगे। हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन तो भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ बोलोगे तो लग गया ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा। अरे बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बच्चे अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है तो ये बताया, भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई। तो बता दे, बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए। लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है। बच्चा पढ़ी नहीं। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी ज्ञान खराब कर रहा है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है सॉरी तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों? मैं बताता हूँ राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है। पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार। सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी और डिग्री क्या हो गया? और डिग्री बढ़ी 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं? सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा क्योंकि संगति का है क्या? सूखा पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान बांट रहा ज्यादा। ए भाई साहब, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल? चल फोन बात के 93.5 FM बउआ बोलियो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, मैं बउआ हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। बोल भाई बोल। एक मिनट चाहिए आपसे। एक मिनट क्या हुआ? एक भाई था बहुत तेजी तेजी से गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैंने बोला औकात में लेके चलाया कर, ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को ऐसे हिचकी आएगी और तेरे को ऐसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा। कैसे पता है? उसने बोला कैसे कैसे। मैंने उसको बताया, सपोज तू तेज गाड़ी चला रहा है, तेरा नंबर दिल्ली का है। अच्छा। और सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नंबर हरियाणा का है। अच्छा। दोनों लोग की टक्कर हो गई क्योंकि तू तेज चला रहा है। अच्छा। फिर हो जाएगा तुम लोग का झगड़ा। झगड़ा? तू भी दिल्ली वाला नहीं मानने वाला, वो भी हरियाणा वाला नहीं मानने वाला। तू लड़ाई करवाएगा क्या हमारी? एक सेकंड मेरी बात सुनिए। वो दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा, दो राज्यों का झगड़ा हो सकता है। अच्छा। पूरा संसार जानता है कि दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, जो पानी लेता है पीने का वो हरियाणा से लेता है। अब दो लोगों में झगड़ा, अगर दो राज्यों में झगड़ा हो गया तो हरियाणा पानी देना बंद करेगा, पानी देना बंद करेगा। लोगों को पता चलेगा कि किस आदमी की वजह से पानी बंद हुआ है, ये जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो पानी नहीं आएगा तो सब उसी आदमी को गाली देंगे, भला बुरा कहेंगे, उसको याद करेंगे, और जितना लोग उसे याद करेंगे गाली देने के लिए उसको उतनी हिचकी आएगी। लेकिन तो जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी, लेकिन पानी तो रोक दिया हरियाणा ने। तो ज्यादा हिचकी के चक्कर में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अबे खाली गलत भाई साहब, तूने साले मैं मुंह पे पटकता हूँ फोन अगर कोई गलत बोलता है तो। मुंह पे क्या पटकेगा तू, जब ऐसे है तेरी गलत है। चेक चल तेरी तेजी से मत चलियो गाड़ी। चल 93.5 FM बजा चलो। अंकिल नमस्ते। बउआ बोल। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई एक सेकंड लगेगा, मैं सबका मिला रहा हूँ। इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ, पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से। अच्छा। नहीं निकलते हैं। उनको लगता अच्छा। है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोलते हैं। हाँ, बाप की सड़क है उनको। अच्छा। लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे।
जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे। कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानते है मेरा बाप कौन है। कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानते मेरा बाप कौन है। और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू-थू करेंगे, समाज, पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू-थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू-थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं। साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए। ए ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल कर रहा है बाज। 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बहुआ जी। मैंने पहचाना नहीं जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा था मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि कैसे वो लोग इम्पोर्टेंट चीजों को छोटी बात समझ के भूल जाते हैं। न हेलमेट लगाते हैं, न सीट बेल्ट लगाते हैं, तेजी से गाड़ी चलाते हैं, गलत होता है। मेरे को क्यों बता रहे? आपको इसलिए बता रहे क्योंकि आपके तरीके से और लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपसे भी भूले चुके सीट बेल्ट छूट जाती है कि नहीं? छूटती है। छूटती है तो यही सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाओगे तो या तो आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है, या शादी हो गई है। बिल्कुल हो गई है मेरी शादी। या तो तलाक हो सकता है। सॉरी टू से, बट सॉरी भाई साहब, सॉरी, एक सेकंड मेरे को, लेट मी एक्सप्लेन। कैसे? जैसे फोन में लोगों को लॉटरी खेलने का बड़ा शौक होता है, पैसे जीतना चाहते हैं, जीवन में विनर बनना चाहते हैं। तो आपने सपोज फोन में लॉटरी जीत के करोड़ों रुपए जीत लिए, फिर आप खुशी खुशी में पत्नी को फोन करते हो, सामान पैक कर लो जी, हम लोग बाहर चलेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। थोड़ा होता बातें क्यों? एक सेकंड मैं बात कह रहा हूँ, रुको। ये आप एक्साइटमेंट में आपने पत्नी को बोला सामान पैक करो बाहर जाएंगे, आप लॉटरी जीते, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीट बेल्ट लगाना भूल गए, धार करके आपने गाड़ी ठोक दी, स्टेयरिंग पे आपका चेहरा लगा, खून खून, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये तो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरा ही बदल दिया। फिर जब आप अपना अपना प्राइज लेने वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा फोटो आईडी दिखाइए, फोटो आईडी में अलग चेहरा, वैसे अलग चेहरा, पैसा भी। एक सेकेंड, आपके हाथ से करोड़ों रुपए भी गए और वहीं पे पासपोर्ट का भी मैच नहीं हुआ फोटो, आपका ट्रिप भी कैंसिल हो गया, पत्नी भी गुस्सा हो गई। अब बताओ पैसे भी गए, वाइफ भी गई, क्यों सीट बेल्ट नहीं लगाते हो यार? तो बोल रहे आप 93.5 FM बहुआ बोल रहे, अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बारे एक मिनट आप बोल कौन रहे हैं? मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। एक माह समझ गया आपको ऑफिस जाना लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है, बार बार आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, हैं लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, कहते नीम का दातून है। नीम का दातून है वो? मैंने बोला नीम के दातून से क्या, तो पता है क्या बोलते हैं? कहते नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? दांत में मैं एक सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तू कनेक्शन सुनिए। कहते नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से है कि नहीं भाई साहब? ठीक है हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा, और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब। हेलो सुन रहा हूँ। तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे आप, आप ही के फायदे की बात बता रहे हैं। चलो गलत आदमी, एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है 93.5 FM बहुआ बोल रहे अंकिल बजाते। हेलो स्मृति कह रही थी रौनक, अक्सर लोग बड़ी बड़ी बात करते हुए कहते हैं कि मैं तो जान पे भी खेल सकता हूँ, तो क्या इसी पे आप बउआ बन के कुछ मजे ले सकते हो? ये सुनिए, आपने बोला तो बउआ बन गया। हेलो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? अजय बउआ।
वो डोटी उठा मुस्कुरा दे बहुआ भाई तुम डो नहीं यार। कौन रो रहा है? यार ये मेरी धर्म गर्लफ्रेंड है। किससे बात करनी है? बात सब करूंगा लेकिन क्या प्यार मोहब्बत में नहीं होता? नहीं होता है ये सब। तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूं। क्या देना है? लेन देन नहीं हो रहा है कोई। अच्छा हमको क्यों फोन मिलाया भाई? अच्छा आप थोड़ी मदद कर देंगे ना? भले मानुष लगते हैं आवाज से, जानता हूँ नहीं है पर... अरे क्या नहीं है? सॉरी हेलो लाओ बात करो। हाँ बात कर दी आप। ए लेडीज मैं गैर मर्द से बात कर लूँ? अगर तुम रिचर्ड से बात करोगी तो रिचर्ड गैड मर्द होगा। प्लीज स्टॉप योर जोक्स। ओके सर। यार ड्रामा लगा रखा है। ये मेरे से बोलता है मेरा हबी बहुआ कि आओ तुम यहाँ पे लेट जाओ। भैया ये आपका प्राइवेट मैटर है, ये क्यों मतलब? नहीं आगे सुनिए सुनिए, मेरे को पेट पे लिटा देता है ये, मेरी नाभी है ना, नाभी 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 रखता है गिल्ली 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 और उसके बाद डंडे से जो जोर से मारता है कहता है गिल्ली उड़ गिल्ली उड़। अरे भैया गिल्ली बात कराना जरा। हेलो हाँ जी बात कर दो बहुआ भैया। डांटो उसको। चुप रहो तुम डोनी बहुआ। हाँ जी अंकल। क्यों भैया ये तुमको मैदान नहीं मिलता क्या? आप जो गिल्ली डंडा वहाँ पेट पे खेल रहे। आप देखो मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। गर्लफ्रेंड को आप क्या बुलाते हैं प्यार से? बिट्टू बुलाता हूँ, बाबू बुलाता हूँ, सोना बुलाता हूँ, जानू बुलाता हूँ। सोना जानू। जानू का मतलब क्या है? जो अपनी दिल हो जानू। जान एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये गर्लफ्रेंड भी मेरी जान है तो? इसीलिए मैं गिल्ली डंडा खेलता हूँ। अरे यार तो जान है तो उसके पेट में क्यों गिल्ली डंडा खेलते हो? इसी को तो कहते हैं जान पे खेलना। राजीव ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कहते हैं रौनक भाई आजकल के गानों में ना इतनी तू तड़ाक होती है, मतलब तमीज ही नहीं रहेगी गानों के अंदर। अब बहुआ ने इस पे क्या किया ये सुनिए। हेलो अंकिल। कौन? नमस्ते मैं बहुआ बोल रही हूँ। जोरदार तालियों से हम आपका इस गेम शो में स्वागत करते हैं। तू बोल कौन रहा है? मैं बहुआ बोल रही हूँ, एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ क्या नाम है आप? मेरा नाम है शकील लखनवी। शकील लखनवी जी हैं, बड़े तमीजदार घराने को बिलोंग करते हैं। और भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश है। इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए आपका नाम लकी ड्रॉ से निकाला गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो एक दबाएं। नहीं हो तो मैं एक दबा दूंगा। ये लो। अब सुन नौकात मेरा है कि आज के जमाने में गानों में इतनी बदतमीजी है। बिल्कुल तू तड़ाक इतना भर दिया गया भाई आज किस्म के गाने। इसलिए ये लखनवी साहब हमारे साथ हैं जो हर गाने में तमीज भरेंगे। देखिए अदब बहुत बड़ी चीज है। है आप मानते हैं कि नहीं? हेलो मेरे साथ फोन पे। अदब तो है बिल्कुल है लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला ये? अब ऐसे है कि हम आपको कॉन्टेस्ट खिलाएंगे। जैसे मैं गाना गाता हूँ आज फिर तुम पे, आज फिर आप पे प्यार आया। नहीं नाम चिल्लाना आपने। शकील शकील शकील। ओके ठीक है दिनेश। आर यू रेडी? यस। देखिए पहला गाना हम शुरू कर दिए मिलके ये। शकील शकील दिनेश आई थिंक शकील ने बोले। शकील ये गाना क्या? आप जाने ना। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। आप जाने ना। दिनेश 1-0 हो गया है। ओके नेक्स्ट सॉन्ग। तुझे शकील शकील दिनेश थोड़ा लेट हो गया दिनेश। या शकील जी आपको सोचता हूँ मैं शाम सुबह। वेरी गुड 2-0। हेलो दिनेश जी क्या हो रहा है ये? ओ साले तेरा बाप लगता है असलियत में। क्या हुआ? सारी शकील को देने दे। गंदे फोन नहीं काटना है। नहीं एक सेकंड मैं आपको एक एक्सक्लूसिव गाना दे रहा हूँ आप ठीक है? हाँ दे दे दे। इस गाने में आप अदब भरिए। हाँ ठीक सुनिए। भरो बेटा आप 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 बहुत अच्छे आगे बढ़ो आप 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 आप। हाँ जी भरो। इसमें तो इतने भरो ना। एक सेकेंड इस नौजवान को एक मौका और। दिनेश सुनना है। सुन तू इतना भड़क मत। शकील जी आपसे मैं इजाजत से हूँ। इजाजत है बेशक बेशक। ये शुरू कीजिए आप। तू कंपटीशन खिला रहा है तेरा बाप लग रहा है रिश्तेदार में जो तुझसे इजाजत। बेटे मैं स्टार्ट करती स्टार्ट। आप 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 पागल गंदा शकील की शकील को। थैंक यू वेरी मच शकील जी। भाई आज राजेश जी ने फोन करके बहुआ से कहा कि आजकल के बच्चों को संभालना बड़ा चैलेंजिंग काम है। भाई इस पे बहुआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो एक सेकंड रुकिए। नान
रुक जा बाबू, हेलो बाबू फोन लग गया है। ओके हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, एक सेकंड, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ जी बोलो बोलो, आपको आवाज आ रही है? बच्चे को फोन से दूर करो ना। बच्चा दूर ही है लेकिन उसकी आवाज तेज है इसलिए नजदीक आ रही है आवाज। बोलो भैया जल्दी बोलो। ये बच्चा प्यार का भूखा है। अच्छा अच्छा नहीं बच्चा, अच्छा फिर अच्छा। अरे बहरे में बच्चा ही बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ मैं। सॉरी एक सेकंड, ये बच्चा मेरे से संभलता नहीं है। आप जरा दो मिनट इससे बात कर लो, इसका मन बहला दो, मैं गर्म पानी लेने जा रहा हूँ किचन तक। मैं ही मिला था अकेला, कोई और कहीं इसको बात छोड़ा ना। नहीं बाहर नहीं छोड़ना है ना, बच्चा है ना। अरे बाबा क्यों तंग कर रहे हो यार? तंग नहीं कर रहे, आप दो मिनट अगर बात कर लो चलेगा? प्लीज दो मिनट, फटाफट करा, फटाफट कर। आप इसको बहला के रखना और प्यार से बात करना। बाबू आप बात कर लो, मैं गर्म पानी लेके अभी आया। ओके बाय। हेलो हेलो बेटा बोलो। बोलो बेटा, बेवकूफ झल्ले कुछ तो बोल। झल्ला हुआ तेरा बाप, साले मारूंगा कान के नीचे दो रपेड़। मार के दिखा दे मैं तो तेरे में। तू कहाँ पे है साले, वहीं आके मार तो तेरे। तू कहाँ पे है तू भी? यहाँ तक ना पाएगा तू कभी, स्कूल तो गया नहीं। यहाँ आगा शर्म ना आती, बच्चे को मारेगा तो इतना बड़ा सांड हो रहा। फिर खोल दूंगा तुरंत। क्या हो रहा है? पानी, ये गर्म पानी लो। अंकिल हेलो। हाँ जी कौन था ये? क्या हुआ बच्चे ने बड़ी सांड धुनी किया अंकिल? ये बच्चा नहीं ये बड़ा। ये गंदा नहीं बोल रही आप? गंदा किसे नहीं बोलेगा, ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाते। क्या बकवास करे, बोल पाता ये? प्यार का भूखा है, प्यार का भूखा नहीं पिटाई का भूखा है। एक सेकंड रुको, मैं इसका दूध चाहो, दूध लाना भूल गया मैं। इसके दूध ही तेल लगा के। एक आप चले दो मिनट और बात करना, मैं दूध लेके आता हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रहा तू? हेलो 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 कौन? आप आ गए वापसी? ऐसा है, गाली बिल्कुल मत दे। बिल्कुल मिलेगी गाली भी, तेरी काफी पड़ेगी। तू हाथ लगा के दिखा, पता तेरा बाप है वो? मैं उसका बाप हूँ। मैं बोल ना पा रहा ढंग से। इसको बुला, बताता बुला उसको, तेरे जैसे 36 आम है। चल एक सेकंड, मैं दूध लेके आ गया। दूध लेके बेटा पी लो दूध। क्या हेलो, क्या हुआ, कुछ बोला इसने? अरे बहुत कुछ बोलता रहा। आप बड़ी प्यार का भूखा है ये। हेलो बेटा। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, एक सेकंड चुप रहे हैं, एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता है भाई, मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले उसको गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूँ फिर? क्या चुप कर जाऊँ यार, वही चुप तो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा था तो फोन रख दे, फोन नहीं देखो। हेलो हेलो, बउआ बोल रहे अंकिल, आप फोन काट रहे हैं। अब तो परेशान करेगा, परेशान पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है वही तो नहीं पता। आप चुप कर जाइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ, मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला साला, चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। अंकिल है लड़का, बात करिए। हेलो हेलो, चिल्ला क्या? अभी कौन? हेमंत सोनी पागल, ये बच्चा है पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम कम देखे। ए सुना तूने? चुप कर, बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया, तूने भी कर दिया। एक सेकंड तू बता, बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है? काम है अभी? ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के तू फोन रखो, खराब कर दिया था, कोई मतलब नहीं, बात नहीं। अपनी गाना कॉपी करने के लिए चार दबाएं। मोहब्बत बरसा देना सावन। हेलो, हाँ जी भाई साहब, अंकिल। बोलो भैया। दो मिनट चाहिए थे अंकिल। अरे बोल, कौन रहा है? आज मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल। आदमी के जो अकल है ना। हाँ अकल, वो बादाम खाने से नहीं आती। फिर कैसे आती है अकल? धोखा खाने से आती है। हेलो सुनिए, मैं उस्मान बोल रहा हूँ। किसका सामान? सामान नहीं, उस्मान। हाँ बोल उस्मान। तुम मान गए मैं उस्मान बोल रहा हूँ? तब तूने तो बोला अपने मुँह से कि तू उस्मान बोल रहा है। नहीं नहीं, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, मैं तो बस आपको धोखा दे रहा था।
चाटा मारूंगा फोन में से। सर जी, आपको ये बात साबित करनी थी कि इंसान के दिमाग हेलो बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती हैं। अबे बादाम तू खाते है मैं सावन। हेलो जी, उस्मान बोल रहा हूँ। अरे मेरे को पता, तू बउआ बोल रहा है। बउआ तेरे धोखा खाने से अकल आ जाएगी। अब तू पहचान गया कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तू बउआ ही बोल रही है। सुनिए, मेरा ना चिवड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान है। चिवड़ी मोहल्ले में? नहीं नहीं, मैं तो आपको धोखा दे रहा था यार, कोई दुकान नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, तेरी अकल बढ़ाने के लिए धोखा खिला रहा था। पागल साले, मैं घुसके मारूंगा अगर दोबारा फोन आ गया। तुझे तेरा कॉलर ट्यून याद दिलाता हूँ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मोहब्बत वर्षा देना आया। गाना कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं, शुल्क लागू। मोहब्बत वर्षा देना। अरे ओ धोखे की औलाद, मांग मत खराब कर मेरा, फोन में से घुस के मारूंगा साले तेरे को। हेलो, कौन बोल रहा मैडम? किसको गंदा बोल रहा है तू, गाली दे रहा? अरे मैडम, मैंने आपको क्या बोला? क्या बोला? सारा बैलेंस चूस लूंगी। अरे इस नंबर से फोन कर रहा और वो बोल रहा है कि धोखा खाने से अकल आती है। बादाम खाने से नहीं? बादाम खाने से नहीं। ये आपको भी फोन आया? ओ मेरे को भी फोन आया मैडम। अच्छा, उस्मान ने फोन किया? उस्मान ने चिबड़ी मोहल्ले में? उस्मान कोई नहीं है, वो बउआ बोल रही है। ओ मतलब आपके भी अकल आ गई धोखा खा के? मतलब मैं और बउआ एक सेकंड साथ में हम लोग फोन। बउआ? हाँ जी, हम लोग साथ में फोन करते हैं। बउआ नहीं, उस्मान बोल रहा हूँ। मारूंगा दोनों के। हेलो, यहाँ से बउआ बोल रहा है चिबड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान। मैं वहीं पे घुस के मारूंगा।